हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैंने देखा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लगभग लगभग 100 के आसपास, 100-150 के आसपास कमेंट मेरे पास आ गए हैं। एक दो का मैंने रिप्लाई भी किया, वो ये बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट आ गया है। एक को कोई बंदा है वो ऑनलाइन लाइव करके बैठा है कि भाई रिजल्ट आ गया है और चेक करो, और OTP वगैरह का कोई चक्कर आ रहा है, OTP आ गया है और रिजल्ट आ गया है। तो ऐसा कुछ है सर, बताइए, भ्रम दूर कीजिए। अरे भाई यार, आप लोग दरोगा बनने वाले हो भाई यार, 2 स्टार लगने वाले हैं, इतनी अच्छे सपने देख के आप बैठे हो, पर आप पता नहीं बचकानी हरकतें करते रहते हो। आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, और मतलब लगे पड़े हैं कि भाई सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा, पहली बात तो ये सुनो कि रिजल्ट जब आएगा तो आपको मेरे माध्यम से या किसी ना किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत पता लग जाएगा कि रिजल्ट आ गया है, ठीक है, ऑफिशियली। तो आप लोग क्यों परेशान हो। हाँ, माना कि रिजल्ट अब आने को ही है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, होली के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, या थोड़ा सा 2-4 दिन डिले भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई स्पेशली OTP भेजा जा रहा है। OTP मतलब किस चीज़ का OTP, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा OTP का कोई चक्कर नहीं है, ये सब फर्जी चलते रहते हैं, लोगों के पास कुछ काम धाम होता नहीं है, खाली बैठे रहते हैं। अब मेरा तो उनसे भी कोई मतलब दुराग्रह नहीं है, वो जो कर रहे हैं, पर आप लोगों को समझदार रखनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ऑफिशियल साइट पर प्रॉपर नोटिस के साथ में लिंक मिलेगा, ठीक है, नोटिस के साथ लिंक मिलेगा जैसा पहले मिला था, ठीक है, जैसा पहले मिला था। आपका कोई भी चीज़ आती है तो पहले नोटिस आता है, फिर लिंक आता है कि भाई ऐसे ऐसे आप कर लो, आंसर की का भी ऐसे ही आया था। और जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा, रिजल्ट जब भी आएगा मेरे द्वारा बता दिया जाएगा, हो सकता है 10-5 मिनट का इधर उधर टाइम हो। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ाई में लगे रहिए, अपनी दौड़ लगाते रहिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अच्छे खासे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।